हुकूमत तेलंगाना ने कल रात एक आर्डिनेंस जारी करते हुए रियासत में 5 खानगी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम को मंजूरी दे दी। इस आर्डिनेंस की पुरजोर मुखालिफत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो असम्बली के अख्तियारात को नज़रअंदाज कर रही है। सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और रुकने साबिक असम्बली वंशी चंदर रेड्डी ने कहा कि KCR ने इख्तदार के हुसूल के लिए KG से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम का वादा किया और अवाम ने उनके इस वादे पर एतमाद करते हुए उन्हें इख्तदार सौंपा, लेकिन KCR ने तेलंगाना में तालीम के फरोग के लिए कोई इकदाम नहीं किए। रियासत में 11 यूनिवर्सिटी बगैर वाइस चांसलर के काम कर रही हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में टीचर्स, जूनियर कॉलेज, अंडर ग्रेजुएशन और OPG कॉलेजेस में लेक्चरर के अलावा प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की जायदादें तकरूर तलब हैं, मगर हुकूमत तकरूर करने के लिए तैयार नहीं है। वंशी चंदर रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत ने तालीम को खानगियाने के मकसद से AICT और UGC के कवायद की तकमील के खिलाफ वर्जी करते हुए आर्डिनेंस जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने रियासती वजीर लेबर मल्ला रेड्डी की काबिना से बरतरफी और उनको मंजूर की गई यूनिवर्सिटी की मनसूखी का मुतालबा करते हुए मल्ला रेड्डी अपने कॉलेजेस के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के अकाउंट में UGC के मुताबिक तनख्वाहें डालते हैं, बाद अजां आधी से ज़्यादा तनख्वाह नकद रकम की शक्ल में वापस वसूल कर लेते हैं और यह एक मुजरिमाना साजिश है जिसके लिए उन्हें काबिना से बरतरफ किया जाना चाहिए। इसके अलावा 2015 में खानगी तौर पर कायम करदा वासन यूनिवर्सिटी को भी मुसलमा हैसियत दे दी गई है। तेलंगाना का सरकार कल एक ऑर्डिनेंस लाके स्टेट में 5 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दिए। असेंबली को बाजू रख के ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये जो 5 यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दिए, इसको हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम अपोज करते और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। KCR चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, सत्ता में आने के लिए KG to PG मुफ्त में सभी को एजुकेशन दूंगा बोल के सत्ता में आके आज जो फ्री एजुकेशन देने वाले यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस को बाजू रखे प्राइवेट एजुकेशन को, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को KCR इंकरेज कर रहे। आज तेलंगाना स्टेट में अगर आप देखें तो 11 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स खाली है और जब से तेलंगाना गवर्नमेंट आए गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स रिक्रूटमेंट नहीं है। इंटरमीडिएट कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस, PG कॉलेजेस में लेक्चरर्स का, प्रोफेसर्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का रिक्रूटमेंट नहीं है। वो रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एंकरेज करने का काम KCR कर रहा। इसको हम अपोज करते और ये जो ऑर्डिनेंस है उसको पीछे लेने का मांग कांग्रेस पार्टी के तरफ से कर रहे और जो यूनिवर्सिटीज़ को आज अप्रूवल मिला वो पूरा AICTE नाम्स और UGC नाम्स के खिलाफ काम करते हुए यूनिवर्सिटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिनिस्टर मल्ला रेड्डी है, मल्ला रेड्डी उनका कॉलेजेस में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे उसका सैलरी उसका अकाउंट में डलवा के फिर पैसा ले रहा, ऐसा हर एक साल में लगभग 360 करोड़ का लूटी कर रहा है, वो चोर है। उसका यूनिवर्सिटी को कैंसिल करना है और उसको जेल में भी भेजना है मल्ला रेड्डी को, क्योंकि वो AICTE नाम्स के खिलाफ, UGC के नाम्स के खिलाफ काम कर रहा है। और एक यूनिवर्सिटी है वॉक्सन यूनिवर्सिटी है जो 2015 में ही स्टार्ट हुआ, 5 साल भी नहीं हुआ, उसको अभी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से इसको अपोज कर रहे और KCR जो है KCR का ये जो इंटेंशन को हम पूरी तरह से हम अपोज कर रहे हैं।